नेचुरल नंबर्स एन, वन टू थ्री एंड सो ऑन। होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो ये हमारा होल नंबर्स आ गया। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इंटीजर्स। बेटा माइनस इंफिनिटी इंक्लूड नहीं होता है, इनफाइनाइट भी इंक्लूड नहीं होता है। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं आई या जेड से, या तो कैपिटल आई से डिनोट करेंगे हम या जेड से डिनोट करेंगे। और इसको हम इस तरह से लिखेंगे जेड डॉट डॉट डॉट, तब मैंने यहाँ लिख दिया माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन, जैसे इंटीजर्स आई और जेड। इसके बाद आते हैं हम क्यू, रेशनल नंबर्स। और ये रेशनल नंबर ही हमारा मेनली इस पार्ट इस चैप्टर में रेशनल नंबर, इसको हम Q से डिनोट करते हैं। और ये किस फॉर्म में होता है? P by Q. It is of form P by Q. P by Q. और Q is not equal to zero. Q denoted by Q. It is denoted by Q. It is denoted by Q. अब देखो जो रेशनल नंबर होते हैं उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हमारा होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। दो तरह के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, कब टर्मिनेटिंग होता है वो अभी समझा रहे। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब रिकरिंग, रिपीट हो गई, याद है ना, बाढ़ लगता है, वन टू के बाद बाढ़ लग गया इस तरह से। अभी देखते हैं तो कैसे होगा, देखो सर। तो लिखो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट टॉपिक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। फर्स्ट टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल की यदि मैं बात करूं कि कौन से रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं फिर लिखवाऊंगा। मैंने बोला टू बाय फाइव, तो बेटा यदि मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये टर्मिनेट होगा कैसे, देखो सर, टू डिवाइड बाय फाइव। अब फाइव का डिवाइड टू में नहीं जा रहा, ये डेसिमल लगा। अब कितने टाइम जा रहा है बेटा, फोर। तो ये कितना आ गया, जीरो पॉइंट फोर। तो ये टर्मिनेट हो गया, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। तो टू बाय फाइव किसके इक्वल आ रहा है, तो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर इसका रीजन लिखाऊंगा कि भाई देखते ही कैसे पता लगा लोगे आप, डिवाइड करना ही नहीं पड़े, तब कैसे पता लगाएंगे वो अपन बात की बात करते हैं, ठीक है ना। तो 2 बाय 5 0.4 टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिदम तबियत ठीक,
वायरल हो रहा है अभी बहुत तेज सब बहुत लोगों में। एक और एग्जांपल लेके समझाएंगे फिर बता देंगे। जैसे मैंने आपसे बोल दिया 13 अपॉन सपोज 80, अब मुझे इसको सोल्व करना 13 अपॉन 80 या 131 अपॉन 80 कर दो, एक ही बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये मुझे पता है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है सर 0.1625। अब क्यों है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये चीज समझो। तो पहले तो अपन डिवाइड करके देख लेते हैं, पहले अभी डिवाइड करके बता रहा हूं फिर रीजन बताऊंगा। 80 वन टाइम गया कितना बचा 51, डेसिमल लगा दो तो ये 0, कितने टाइम गया 6 टाइम, रिमाइंडर कितना बचा, फिर एक और डेसिमल लग गया क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है, कितनी बार गया 32, कितना बचा, कितनी टाइम गया, फिर कितना बचा और कितना टाइम गया, ये पूरा डेसिमल टर्मिनेट हो गया, कहीं पे भी रिपीट नहीं है। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल है 1.63, तो कौन सा डेसिमल है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसका रीजन लिखवाएंगे बेटा क्यों है ऐसा, तो पहले इतना कॉपी कर लो फिर लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। समर्थ क्या फोन करे यार, वो नहीं आ रहा, 3-4 दिन होते। अब इसका रीजन क्या है बेटा, इसमें क्या होता है कि हमें करना क्या होता है ये चीज समझो, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लीजिए सब। मानस कैसे पता लगाएंगे, ये रीजन नहीं है बेटा, और बोलो नहीं और कोई, दिव्या क्या नाम है, दिव्यांश क्या है, देवेश और हर्षित, और बोल सुशेष, नो आइडिया, गेट एन आइडिया। चलो अब देखो कैसे हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना कैसे पता लगाएंगे। 2/5 पहले सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, है सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसमें कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा, कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब हम डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर में यदि सिर्फ 5 के मल्टीपल आ रहे हैं या 2 के आ रहे हैं या दोनों के आ रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं आ रहा, तो बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या क्या आना चाहिए, सिर्फ 5 और 2, क्या क्या आना चाहिए, 5 और 2 के अलावा कोई भी नहीं आना चाहिए, कोई दूसरा नंबर। यदि सिर्फ 5 आ रहा है या 2 आ रहा है या दोनों आ रहे हैं और इसके अलावा कोई नहीं आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसमें क्या आ रहा है बेटा 5, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी लिखवा रहा हूं रीजन वन पूरा कि कैसे चेक करते हैं, पहले तो इसकी बात कर रहा हूं। और जैसे 131/80 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इधर देखो इधर उधर बात मत कर, सीधा बैठ देगा 80 के फैक्टर करो, जल्दी से फैक्टर करो 80 को, 2 × 5। अब इसमें 2 और 5 के अलावा और कोई आ रहा है क्या, इसका भी टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो रीजन क्या है,
या तो टू आए या फाइव आए या दोनों आए, लेकिन इसके अलावा कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, थ्री नहीं आना चाहिए, सेवन नहीं आना चाहिए और कुछ भी नंबर नहीं आना चाहिए, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है वरना रिपीटिंग डेसिमल है। तो लिखो ए, इसका रीजन लिखो भाई, इफ डिनोमिनेटर इज ऑफ फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, m एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर, देन डेसिमल टर्मिनेट्स ऑफ रेशनल नंबर, डेसिमल टर्मिनेट्स ऑफ रेशनल नंबर, तो डेसिमल टर्मिनेट करेगा किसका, रेशनल नंबर। इफ डिनोमिनेटर इज ऑफ फॉर्म 2 की पावर m मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n, m एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर, बोलना बेटा, देन डेसिमल टर्मिनेट ऑफ रेशनल नंबर। क्या हुआ, तो डेसिमल टर्मिनेट्स ऑफ रेशनल नंबर, ये क्लियर है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, कुछ भी आप वैल्यू लिखिए भाई रेशनल नंबर, जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिखा आपके सामने है, थर्टीन अपॉन 120 फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे ये चेक करना है, या तो डिवाइड करो, और डिवाइड करने में टाइम लगेगा, तो पहले इसके फैक्टर निकालो, पहले इनमें से कोई कॉमन फैक्टर है कि बेटा इसका, तो पहले 120 के फैक्टर निकालो, 120 के फैक्टर होंगे आपके 2 की पावर, क्या हो गया, तो ये तो कितना, अब बेटा क्या आ गया, ये आ रहा था तब भी ठीक था, ये भी ठीक था, लेकिन क्या आ गया, थ्री। तो इसका जो डेसिमल टर्मिनेट ये है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, इसका रिपीट होगा बेटा डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, अभी मैं रिपीट करके बता दूंगा कैसे रिपीट होगा, इसका रिपीटिंग डेसिमल आएगा, रिपीटिंग बोलो या रिकरिंग बोलो एक ही बात, रिपीटिंग बोलो या रिकरिंग बोलो एक ही बात, रिपीटिंग बोलो या रिकरिंग, आर ई सी डब्ल्यू यू डबल आर आई एन जी, रिकरिंग। बेटा इसमें थ्री आ गया ना, इसलिए ये रिपीटिंग आ गया, फाइव आने दो ना, इसके इन दोनों के अलावा कोई नहीं आना चाहिए, इन दोनों में से या तो अकेला ये आए, या अकेला ये आए, या दोनों आए, ठीक है ना, इनके अलावा यदि कोई और आएगा तो फिर वो रिपीटिंग डेसिमल, बस टू आ सकता है, फाइव आ सकता है, या दोनों आ सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई तीसरा आ गया तो फिर आपका कौन सा डेसिमल होगा, रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है, और किसी को दिक्कत, क्लियर क्लियर। अब देखो मैं इसको डिवाइड करके बता देता हूँ ना कि भाई रिपीट हो रहा है, कैसे रिपीट हो रहा है वो देखो, 13 120 10 120 कितनी बार जा रहा है क्या, तो एक और जीरो लगाना पड़ेगा, 12 एट जा 40 12 3 36, ये लो रिपीट होना चालू हो गया भाई, 360 360 आ गया समझ में,
ये 3 रिपीट होना चालू हो गया, इसका मतलब हम 13/120 को लिखेंगे 0.108333 या 0.183 ये आ गया आपका 13/120. तो दिस इज रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल. क्लियर सभी को? किसी को दिक्कत? पक्का? चलो लिखो इसको. सभी क्लियर है? यस सर. बेटा आपका 20 को ही पहला पेपर मैथ्स का ही है? हाँ सर. मेरा भी पता है. कब है? 2 अक्टूबर से, मेरे बर्थडे वाले दिन से ही होंगे. 2 अक्टूबर से कैसे होंगे? 2 अक्टूबर की छुट्टी रहती नहीं है? हाँ? पार्टी बन रही है ना, बनी बनेगी ना, इसका एग्जाम होगा तो पार्टी बनेगी सी. अब देखो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कब आपका टर्मिनेटिंग होगा, कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा. ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं. मैंने बोला 24/120. अब मुझे इसको चेक करना है कि भाई ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है. ये टर्मिनेटिंग है बेटा, सीमलेस फॉर्म में तो चेंज किए. देखो ये 3 से कैंसिल हुआ पहले और 8 से कैंसिल हो गया, तो ये कौन सा डेसिमल है? तो इसका भी ध्यान रखना है. सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद आगे का काम करना, ऐसे नहीं देखते ही टूट पड़ो कि भाई ये तो आता है यार मुझे और लगा के आगे. वो 4 ऑप्शन में ऐसे ही पूछेगा, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इस तरह से पता है, सब पता लग गया मुझे. सीवी ने उसने बता दिया ना. चलिए लिख लीजिए. अब ये तो हमें पता लग गया कि भाई कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है. अब आपका प्रॉब्लम और कैसे पूछा जाएगा? पहला टाइप का प्रॉब्लम ये आएगा कि भाई टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग. दूसरा प्रॉब्लम आपको इस तरह का रिप्रेजेंटेशन गिवन होगा रिपीटिंग वाला, और उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना पी एफ. याद आ रहा? कन्वर्ट, देखो पहला प्रॉब्लम, कन्वर्ट 31.43 in the form of P upon Q. P upon Q के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है. 31.43. अब देखो मैं पहले दो तरह के, यदि आपका एमसीक्यू आता है तो तब कैसे सोल्व करेंगे, और आपका सब्जेक्टिव आता है तो कैसे सोल्व करेंगे. पहले मैं एमसीक्यू अप्रोच कैसे निकालेंगे, देखो एक्स का वैल्यू जो भी आ रहा है पहले पूरा नंबर को लिख देंगे, जो भी लिखा हुआ है डेसिमल को हटा. 31, उसमें से डेसिमल से पहले जितने नंबर उसको सब्ट्रैक्ट कर दो. ना था कोई दिक्कत? पहले पूरा नंबर लिख दिया और फिर डेसिमल से पहले के नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो. अब डेसिमल के बाद कितने नंबर है और कितने नंबर के ऊपर बार है, दोनों पे ही, तो 2 9 लिख देंगे. 2 नंबर के ऊपर बार है इसलिए हम क्या लिखेंगे, 2 9. 3 के ऊपर बार होता तो 3 9 लिखते. ठीक है, तो ये आ गया आपका इसका वैल्यू. अब करो भाई 3143 में से 31 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना रहा बोलो? 31. जा नहीं रहा, ये कैंसिल नहीं हो रहा है,
11 से हो रहा हो तो देख लो, 11 2 22 9 11 8 88 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये इसका पी अपॉन क्यू का फॉर्म। अभी पहले एमसीक्यू बता देता हूँ, फिर हम मेथड भी बता देंगे भाई। ज्यादातर तो एमसीक्यू आएंगे, तो एमसीक्यू में आप डायरेक्ट कर सकते, ये एमसीक्यू अप्रोच लिख लिया, ठीक है लिखो, लिख लिया, इधर सबका हो गया। मिताली क्या कर रही है आज, बीए कर रही है, सीए कर रही है, जो उसका हो गया था, क्या फाउंडेशन कर रही है, कहां से कर रही है, अगले इतनी दूर गई क्यों, बेकार। अभी क्या ऑनलाइन ही कर रही होगी, अभी तो नहीं कर लेती। चलो अगला देखो, कन्वर्ट थ्री पॉइंट वन फाइव सेवन बार इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। थ्री पॉइंट वन फाइव सेवन के ऊपर बार। अब देखो यदि मुझे इसका डायरेक्ट वैल्यू निकालना है, 3157 माइनस माइनस क्या करेंगे, रिदम 3 ओनली। अब कितने नाइन आएंगे, दो, और डेसिमल के बाद एक नंबर और बचा हुआ है बेटा, तो उसका क्या आएगा, जीरो। किसी डेसिमल के बाद ऐसे नंबर है जिनके पास बार नहीं है, तो उसकी जगह कितने आएंगे, जीरो। पहले तो कितने बार है, दो, तो दो नाइन, और कितने बार नहीं है, एक, तो जीरो आ गया। तो ये आ गया 3154 अपॉन 990। टू से जा रहा है भाई, 2 1 2 2 5 10 14 1 5 7 2 अपॉन 494। ये आपका इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। लक्ष्य समझ में आ रहा है कैसे लिखा? Yes, sir. तो ये एमसीक्यू अप्रोच है बेटा, एमसीक्यू में आप ऐसा देखेंगे। अब मेथड की बात कर लेते, सब थोड़ी पता था मुझे कि एमसीक्यू आ रहा है। अब एमसीक्यू पता लग गया तो एमसीक्यू बताया ना। हाँ, मेरे में 30 मार्क के एमसीक्यू और 50 मार्क का वो आया था सब्जेक्ट। कोई बात नहीं, होगा ऑनलाइन लेकिन, है ना। हाँ सर, देखो आगे इसी का ही सब्जेक्ट मेथड। एक्स इक्वल टू 3.157 बार। अब इसमें क्या करना है आपको, डेसिमल के बाद जितने नंबर है ना जिनके पास बार नहीं, कितने नंबर है, एक, एक का मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना, 2 होगा तो 100। ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन। जब डेसिमल के बाद कोई नंबर सिर्फ बार वाले नंबर बचे तो वो हमको फर्स्ट क्वेश्चन। ये पहली क्वेश्चन क्लियर है सभी को। डेसिमल के बाद एक नंबर ऐसा है जिसके पास बार नहीं है, इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब कितने नंबर के ऊपर बार, तो अब वापस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको, इक्वेशन में किससे करेंगे, 100 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100। डेसिमल के पहले तो ये एक नंबर हटाया 10x। अब यहां से चालू हुआ आपका क्वेश्चन, डेसिमल अभी बता रहा हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100। 10 को 100 से मल्टीप्लाई करो, इसको 100 से करोगे तो ये 57 ऐसा आएगा।
बेटा ये तो रिपीटिंग है ना, तो 5 7 आ गया, 5 7 बार आ गया, ये तो रिपीटिंग है इसलिए 5 7 आ गया। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्या बेटा, किस होएगा बेटा 7 2 9 10 15। अच्छा 15 आ रहा है, नहीं यार ये फिर गलत किया मैंने ये। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, 7 7 बेटा इसको 7 कर लेना। चलिए अब सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, देखो 1000x 3157.57 बातें नहीं बिल्कुल भी, तुम्हारी भी अब बहुत कंप्लेन आ रही है, तुम बातें बहुत करते हो बीच में। ये नंबर मैंने यही लिया था 3157 का, तो फिर यहाँ पर ये कैसा आ रहा 3157। एक मिनट बोलो, 3 1। अच्छा ये मैंने चेंज कर दिया क्या क्वेश्चन, पता नहीं इसको बार क्यों नहीं लगा, वही तो बोल रहा हूँ क्या कर। चलो ये तो नया क्वेश्चन है ना, मतलब कितना बचा 3 1 3 1 2 6। जीरो फोर टू 330, फिर वापस 2 से जा रहा है, 31 3 लिखा था क्या मैंने, पिछले वाले में 3 लिखाई गए, 1 नहीं लगाया था। अरे यार ये गलत हो गया, पिछले वाले में गलत लिख दिया, ये 1 और आएगा। एक सेकंड रुको रुको, जब भी मैं सोचूं आंसर में करेक्शन कैसे आ रहा है। पिछले वाला जो एमसीक्यू अप्रोच बताया था ना, मैंने क्या बताया था 3157 माइनस डेसिमल बार से पहले कितने नंबर वो हटाने, कितना हटाया 31 अपॉन कितना 990 दिया है। ये 31 1 लिखना भूल गया मैं, क्या दोबारा बता रहा हूं, पहले तो पूरा नंबर लिखो, रुको 3157 डेसिमल माइनस बार से को हटा के जो नंबर बचे वो हटाना, बार को हटाओ कितना बचा अपॉन 2 बार है क्या हुआ और 1 0। इसको चेक करो, उसको दोबारा करेक्शन कर लेना, ऊपर वाले गलत लिख दिया। ये तो ठीक किया था, इसमें कैसे गलत कर दिया, 31 है इसको ये इसको यहाँ करेक्ट कर दिया। अरे बेटा इसको करेक्ट करो, ये तो ये बना 3126 अपॉन 990, ये एमसीक्यू अप्रोच 3 4 2 3 30, 2 से डिवाइड कर दो 165, दिस इज द आंसर। एमसीक्यू अप्रोच करेक्शन कर लेना, वो थोड़ा सा 1 लिखना भूल गया मैं।
भाई एमसीक्यू अप्रोच में दिक्कत आ रही तो अभी एक और करवा देता हूँ, क्योंकि वो वन लिखने के चक्कर में गड़बड़ हो गया, नहीं लिखा वो। अभी मेथड तो बता देंगे, पहले एमसीक्यू अप्रोच करो। कन्वर्ट 213.275 bar या 3 bar in P upon Q form। अब इसका एमसीक्यू अप्रोच क्या होगा, 213.273 - 213.27 upon 900। कैसे करा, देखो इधर पहले पूरा नंबर लिख लिया, फिर इस बार के अलावा सारे नंबर हटा दिए। अब कितने नंबर के ऊपर बार है, एक, और डेसिमल के बाद कितने नंबर है जिनके ऊपर बार नहीं है, तो दो जीरो। अब इसको सोल्व करके बताओ बेटा, नीव तू ही बता इसका सबट्रैक्ट, जल्दी सबट्रैक्ट करके बता। 213.273 - 213.27 19, चलो 2 से जा रहा है भाई, 2918, 2510, 2918, 2714, 236, 450, 310, 19, 24, 33, 3 से जा रहा है, 10, 10, 10, 3 से जा रहा है, 3 3 9, 313, 3 9 27, 3 9 27, 313, 150। ये लास्ट आंसर है इसका, 31991/150। एमसीक्यू अप्रोच क्लियर है, कैसे करेंगे, पूरा नंबर माइनस बार को छोड़ के नंबर अपॉन जितने बार है उतने 9, और जितना डेसिमल के बाद वो नंबर जिनके ऊपर बार नहीं, तो 0। मेथड देखो करेंगे, कन्वर्ट 15.734 bar इन द फॉर्म ऑफ P upon Q। बेटा तुम चाहो तो दोनों वापस रिकनेक्ट कर लो,